नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल। थोड़ा डिफरेंट तरीका से बनाएंगे, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। दाल के लिए देखिए, मैंने मूंग मसूर की दाल इतना लिया है, कम से कम हाफ कटोरा। आपको जितना बनाना है आप वो हिसाब से ले लें। आपके कितना जाने के लिए बना रहे हो वही हिसाब से आप ले सकते। मैंने कुकर लिया है, देखिए दाल इसमें मैं डाल रही हूँ। और तीन चार पानी हम अच्छे से इसको मसल मसल के धोएंगे, क्योंकि ये दाल में जो जितना भी दाल पुराना होता है उसमें कितने सारे मेडिसिन वगैरह डाले होते हैं, तो हम इसको अच्छे से धोना पड़ता है। तीन चार बार आप अच्छे से धोए। जब तक ये दाल का व्हाइट पैन नहीं आता तब तक आप अच्छे से धोए इसको। देखिए मैंने दाल अच्छे से धोया और मैंने गैस में चला दिया। हम एक बार गैस को ऑन करेंगे। हम इसमें डालेंगे एक मैंने बड़ा ऑनियन काटा था चॉप करके, ये देखिए इस तरह ऑनियन भी हम इसी में डालेंगे, क्योंकि बनाए ये इस तरह बनाते हैं तो बहुत इजी होता है बनाने में और खाने में भी टेस्टी होता है। हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। हल्दी डालेंगे हाफ स्पून, हाफ टी स्पून डालेंगे ऑयल। और हम डालेंगे टमाटर, दो टमाटर मैंने काटा था चॉप करके इस तरह, ये भी हम इसी में डालेंगे। और हम कुकर को बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो दाल है हमारा एक सीटी में बन के रेडी हो जाता है। मूंग मसूर का दाल पकने में टाइम नहीं लगता। गैस को हम तेज़ रखेंगे, एक सीटी होने तक हम इसको पकाएंगे। सीटी लगेगा तो गैस बंद करेंगे। एक सीटी लग गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी हम इसको खोल के देखेंगे, क्योंकि जब भी आप कुकर को खोले सीटी को चेक करें, इसमें हवा तो नहीं है। अगर हवा हो तो बिल्कुल कुकर ना खोले, नहीं तो एकदम से कुकर फट सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। और आपके ऊपर जो दाल अंदर जो भी चीज़ है वो आपके ऊपर सारा आएगा, तो आप जलने का खतरा होता है। जब भी इसको पूरा सीटी बस ठंडा होने के बाद ही आप कुकर खोले। चलिए ये ठंडा हो गया, हम खोल के देख लेते। देखिए हमारा दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और कितने अच्छा हो गया है, प्याज और जो मैंने डाला था टमाटर इसके अंदर सारा घुल गया इसके अंदर। ये देखिए कुछ पता ही नहीं लग रहा, इसमें प्याज डाला था और टमाटर। जब हम इस तरह प्याज टमाटर अंदर डाल के बनाते हैं तो बाहर हमें जब तुलका लगाते हैं तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये जल्दी से बन जाता है और इजी होता है बनाने में। देखिए अभी हम इसमें इसके लिए तुलका बना लेते हैं। तुलके के लिए देखिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और गैस को ऑन किया। इसमें हम तेल डाल लेते टू टी स्पून। आप घी भी डाल सकते हैं, अगर आपको घी पसंद है तो घी में दाल बहुत टेस्टी बनती है। आप घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं, आपके पास जो है वो डालें। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते। इसमें हम दो सूखी चिल्ली डाल देते और हाफ टी स्पून जीरा। हाफ टी स्पून हम डालेंगे हींग। हींग जो है आपको कहीं भी बाजार में मिल जाएगा। और दो तीन लहसुन लेके मैंने इस तरह मोटा मोटा कूटा है, ये कूट के डालेंगे तो बहुत टेस्टी होता है दाल। इसमें अभी हम लहसुन डालेंगे यानी गार्लिक।
थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इस तरह दाल बना के देखो, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी से भी बन जाता है। बाद में हमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्याज दाल और टमाटर ये वो करने के उसी में डाल दिया और बस सीटी लगा दिया। तरह गार्लिक जो फ्राई करके डालेंगे तो दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे ढाबा वगैरह में भी ऐसे बनाते हैं तो खाने में बहुत स्वाद होती है। आपने देखा ही होगा ढाबा में होटलों में जब दाल फ्राई होती है इसी तरह ही बनाते। देखिए हमारा गार्लिक बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि ये चिल्ली डालेंगे तो दाल का कलर बहुत अच्छा आता है। अभी जो ये तुड़का है सारा यहाँ दाल में डालेंगे। देखिए दाल जो है कितना अच्छा लग रहा है हमारा, देखिए। आप इस तरह दाल बनाए और राइस के साथ, रोटी के साथ, आप किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी दाल होगा, मूंग मसूर का दाल। अभी इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे। बस खाने के लिए रेडी हो गया हमारा दाल। हरा धनिया से हम गार्निश करेंगे और दाल सॉफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरह ज़रूर बनाएं और मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।